अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की गाड़ी है जो कि नॉर्मली लोग इतना मॉडिफाई करते नहीं हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो है बड़ी ब्यूटीफुली मॉडिफाइड हुई हुई है ये गाड़ी, और ये भी अनटेम्ड ग्रुप की है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पिछले वाली आप वीडियो देखना जो एल्टिस 1.8 जिसका हमने AK-47 नाम रख दिया उसके पटाखों के बाद। तो ये उन्हीं के ग्रुप की गाड़ी है और हमारे साथ ओनर भी हैं बिलाल भाई, और इनसे गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि ये गाड़ी जो है मेक मॉडल वेरिएंट वो कौन सा है। अच्छा, ये है 2018 मॉडल है, 2020 की इसको इंपोर्ट हुई भी है ये। ठीक है, बाकी 660 सीसी है ये। इंजन के साथ कोई कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसके, बस एक्सटीरियर लुक है और इंटीरियर लुक है और बस यही कुछ है किया हुआ। अच्छा, तो ये 18 की इंपोर्ट आपने हाँ बताया, तो जब इंपोर्ट हुई थी उस टाइम आपने ही ली थी? हाँ, इंपोर्ट फर्स्ट करवाई थी। फर्स्ट ओनर। ठीक है, तो किस प्राइस ब्रैकेट में मिली थी आपको ये? मुझे मिली थी 18 लाख की विद नंबर। अच्छा, नंबर के साथ। यार ये भी दिन होता था जब आपको 18 लाख की एक नई फुली इंपोर्टेड जो होती है वो गाड़ी आपको मिल जाती थी। अब तो खैर इनकी प्राइसेस 40+ हो गई हैं। तो इसमें जो है आपने मॉडिफिकेशन फिर कब से स्टार्ट की थी? मॉडिफिकेशन पहले तो ये था कि ये पहला साल तो बिल्कुल स्टॉक थी, बस चार वाले जो रिम्स होते हैं जो आजकल ट्रेंड पे है, बिल्कुल चार वाले रिम्स जो होते हैं। हाँ जी। तो वो बस रिम्स थे इसके अंदर, क्योंकि ये फैमिली कार थी तो मैंने कहा इसको स्टॉक ही रखना है, और ऐसे घर से भी कोई नहीं मिलती थी ये इजाज़ वगैरह कि गाड़ी को ये करो। तो जैसे ही ये ऑटो शो शुरू हुए थे उसी के बाद से बस शौक बस। अच्छा, तो जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो उस टाइम आपने कोई और मतलब सोचा था कि यार ये बजट ये जो है इसमें आ रही है? ऑल्टो ही थी। अच्छा, ऑल्टो लोकली या फिर इंपोर्टेड जो आ रही है? लोकल, तब लोकल लॉन्च हुई थी। अच्छा, लेकिन जब उसकी ड्राइव ली थी उसके झटके बहुत थे। सही है, तो हमने कहा कि ज़्यादा पैसे थोड़े से और 1-2 लाख और भर के हम ये खरीद लेते हैं। आई थिंक वैसे भी ये अगर हम ऑल्टो से कंपेयर करें तो फार मच बेटर ये गाड़ी है ड्राइव में भी, और इसकी जो फील है उस हर चीज़ में आपको क्वालिटी भी वाइज बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल। और दूसरा आई गेस इसकी फ्यूल एवरेज भी मेरे ख्याल से ये तो खास तौर पे मानी जाती है 150 मेरा बहुत ज़्यादा। असल में इसकी फ्यूल एवरेज सिटी में विद एसी है 18-19, और विदाउट एसी आपको मिल जाएगी आराम से 25-26। लेकिन इसका तो मुकाबला ही नहीं है इस गाड़ी का, क्योंकि अपने दौर में ये बहुत ज़्यादा ही मानी जाती थी कि भाई फ्यूल एवरेज इसकी बहुत अच्छी है तो हर बंदे को 150 मेरा ही चाहिए होती थी अगर JDM में लेनी है। तो मॉडिफिकेशंस की तरफ आते हैं, तो इसमें ज़रा आप बताएं कि एक्सटीरियर से क्या क्या करवाया आपने? पहले तो रैप हुआ भाई सारा। ठीक है, और ये रैप का कलर क्या है? रैप का कलर है पर्पल बोलते हैं इसे। ठीक है, मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रहा था, इसको देख के वो रिक रॉस का गाना याद आ जाता है, पर्पल लैम्बोर्गिनी वाला। और बाकी इसके ग्रिल लाइट्स हैं, नंबर प्लेट थोड़ी सी हमने वो की हुई है बाहर को की हुई है थोड़ी। ठीक है, और ब्लैक ग्रिल की हुई है, ये रैप नहीं है, पेंट है। ठीक है, ठीक हाँ जी, ये सारा रैप है जो ब्लैक हुआ हुआ है आप वाली साइड के ऊपर। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर ये बार लगा हुआ है, फ्लैशर टिंट हुआ हुआ है, और साइड के ऊपर आप आएंगे तो टिंट ये कितने परसेंट है? 25% है। तो इसमें मतलब आपको रात के टाइम कोई मसला तो नहीं होता? मसला है, होता है, मसला होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, साइड पे आएंगे तो आपको ब्लैक रिम्स मिल जाएंगे T37 15 इंच में ये। अच्छा, तो ये रिम्स जो हैं अगर आप JDM कार रखते हैं हाँ जी, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग रिम्स जो हैं जो JDM कार की एक JDM लुक बना हाँ देते हैं ना, हाँ ये बेस्ट रिम्स हाँ रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पेंट इसका ख़राब हुआ है। आई थिंक ये वाइट थे ओरिजिनली? ये ब्लैक थे। अच्छा, ब्लैक थे ओरिजिनली, ब्लैक नहीं ग्रेफाइट आप बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इनको वाइट किए थे, अब ये ब्लैक हैं फिर से। ठीक है, वाइट में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, ब्लैक में और हाँ ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये मेरे ख्याल से इसमें फेंडर में आता है इसका, ये सिक्वेंशियल है या नॉर्मल है? नहीं, ये सिक्वेंशियल है। ठीक है, और इसका जो ये फेंडर है ये फाइबर का। अच्छा, जेन्युइन फाइबर है ये। नाइस। हाँ जी, और ये भी आई थिंक आपने ब्लैक करवाए होंगे? ये ब्लैक रैप हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये बॉडी कलर में आई थिंक आते थे। और साइड स्कर्ट्स लगवाई हुई हैं या नॉर्मली? नहीं, साइड स्कर्ट्स लगवाई हुई हैं। अच्छा, आफ्टर मार्केट है। ठीक है, अच्छा बिफोर हम बैक की तरफ चलें, इसमें जो आपने ये गाड़ी लोअर की हुई है हाँ तो आई बिलीव पहले ये स्टैटिक थी? ये स्टैटिक थी पहले, फिर उसके बाद आपने ये अब एयर पे की? एयर पे ये। तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है कि स्टैटिक से एयर के ऊपर क्या फ़ायदा है उसका? स्टैटिक का ये कि आप एक स्ट्रेस रहता है कि अब स्पीड ब्रेकर आया बस अब लग जाएगी गाड़ी, और ये होता है बिल्कुल। हाँ जी,
तो फैमिली के साथ हो तो आप तो भूल ही जाओ कि आप उनको स्टैटिक गाड़ी के अंदर बिठाओगे। बिल्कुल ऐसे ही, बैग गाड़ी है, बैग गाड़ी को आप जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई इशू नहीं होता। तो जब आप इसको ऊपर करते हैं तो ये स्टॉक हाइट पे होती है, उससे नीचे हो जाती है? स्टॉक हाइट पे हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास भी 660 cc है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें ख्वारी कितनी हुई है इस सारे काम में? ख्वारी तो बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह जो है इतनी इजीली मिलते नहीं है, खासतौर पर सस्पेंशन के बहुत नहीं मिलते। बेसिकली ये जो इसके अंदर एयर फिट हुई है, ये स्विफ्ट की थी। अच्छा, उसको ऑल्ट्रेशन कर करके इसके अंदर फिक्स की है। सही है, हाँ जी। तो स्टैटिक जब आपने की थी तो वो कॉइल ओवर्स पे थी या लो रिंग्स? नहीं, कॉइल ओवर्स पे थी फ्रंट पे, बैक के ऊपर लो रिंग्स थे। ठीक है ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आएगा, ये रैप है या पेंट हुआ भाई? ये रैप है। सही है भाई, इनका जो है ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जाके आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारा भी आ रहा हुआ है नीचे, तो वहाँ पे जाके हमें भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी बैग की तरफ चलते हैं, और बैग भी इक्वली फ्रंट की तरह काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें बताएं कि बैग में आपने क्या मॉडिफिकेशन की? बैग पे पहले तो रूफ स्पॉइलर आया है, ठीक है, आफ्टर मार्केट, ठीक है। और ये यूनिवर्सल है या इस गाड़ी का आता है? यूनिवर्सल होता है, ठीक है। ABS प्लास्टिक और फाइबर का ये मिक्सचर होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है बना हुआ। बाकी स्ट्रेट पाइप हुआ है बैक से। अच्छा, स्ट्रेट पाइप है, और दूसरे नंबर पे बैक से बस यही लोग के शादी है, बिल्कुल मोनोग्राम्स जो है वो ब्लैक किए हैं। सही है, ये पेंट किए हैं आपने? हाँ जी, पेंट किए हैं। सही है, स्ट्रेट पाइप में कोई कट ऑफ वगैरह लगवाया? कट ऑफ है इसके अंदर, क्योंकि आई थिंक जितनी लाउड हो जाती है स्ट्रेट पाइप में कट ऑफ जरूरी बन जाता है उसके लिए, वरना अगर स्ट्रेट पाइप होगा तो आपको डॉल्फिन वाले हर जगह पे रोकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी लॉस सैंटोस कस्टम्स, ये GTA 5 से? हाँ जी। और आई थिंक ये जो इसमें है, ये आपने रैप नहीं करवाया? नहीं, ये जेन्युइन है, जेन्युइन है ऐसे। सही है, ये कार्बन फाइबर की एक प्लास्टिक में इनकी लुक आती है, जो इस शेप में मीरा के सिर्फ आई थी और किसी शेप में नहीं थी। बाकी आई गेस एयर का सेटअप आप दिखा दें यहीं से, बाकी फिर अप डाउन करके भी आप लोगों को आगे से हम दिखाएंगे। और ये एयर जो है सिंगल कंप्रेसर वाली है? सिंगल कंप्रेसर, एयर वर्क सही है। आई थिंक इस गाड़ी के लिए सिंगल कंप्रेसर बहुत होता है, क्योंकि छोटी गाड़ी है। और सही है सेटअप, माशाल्लाह सही है, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो स्पेस भी इसमें पूरी सूरी होती है। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और इंटीरियर से देखते हैं, इंटीरियर में भी इन्होंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस करवाई हुई हैं। सो इंटीरियर में जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजेस भी नज़र आ रही हैं, और खूबसूरत भी लग रही है गाड़ी अंदर से जी। तो इंटीरियर में सबसे पहले तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील बताएं। स्टीयरिंग व्हील है, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, ठीक है। ये इसका स्टॉक ही है, उसको अच्छा। बस शेप उसकी रीशेप की हुई है। उसके अच्छा। बाद आती हैं ये लाइट्स, एम्बिएंट लाइट्स आ जाती हैं, और एज सच ये बस सीट कवर्स हैं, नीचे वो फ्लोर मैट बैटिंग फ्लोर मैट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक तो ये स्टीयरिंग व्हील इसके साइज से थोड़ा सा मुझे वैसे बड़ा लग रहा है, अरे चेंज करवाया तभी लग रहा है। हाँ जी, ये रीशेप के बाद यही साइज होता है इसका। सही, यहाँ से थोड़ा सा यूं होता है और एक्सटेंड हुआ होता है। अच्छा, ये आर्म रेस्ट इसमें जेन्युइन नहीं आता? इसमें नहीं आता? नहीं आता इसके अंदर। अच्छा, मुझे लगा था मीरा के अंदर आता है। नहीं आता। सही है, हाँ जी। और अगर हम गाड़ी के ओरिजिनल ऑप्शंस की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन? ओरिजिनल ऑप्शन इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ठीक है, ऑटो ब्रेकिंग आता है, सही है, इको आइडल आता है इसके अंदर, ठीक है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं। अच्छा, इसके अंदर पोस्ट चार्ज नहीं आता। अच्छा, ये पोस्ट चार्ज आफ्टर मार्केट है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसके कुछ वेरियंट्स हैं जिनके अंदर आता भी पोस्ट चार्ज, और वो X333 बोलते हैं उसे। अच्छा, हाँ जी, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका जो है नहीं, वो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल है इसके अंदर। सही है। तो जब आपने ली थी तो ये एंड्रॉइड लगा हुआ था? ये भी नहीं था उसके अंदर, सिंपल थी बिल्कुल, कुछ भी नहीं नहीं था। स्क्रीन ही नहीं थी या फिर? स्क्रीन ही नहीं थी, बस वो एक सादा सा वो जो होता है CD प्लेयर जो होता है वो था, ठीक है ठीक है। बाकी माशाल्लाह इंटीरियर में काफ़ी कुछ इन्होंने करवाया और खूबसूरत लग रहा है। और ये लाइट जो है ना, ये पता नहीं लगता कहाँ से आ रही है, बट ये लाइट लगी हुई है, और ये जो है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आई थिंक इंटीरियर से जो है बाकी वाली पीछे से दिखाएगा, क्योंकि स्पेस कंप्रेसर की वजह से थोड़ी सी वो होगी, तो सब वूफर रखा हुआ है, स्पीकर वगैरह इसलिए वो यहाँ सीट पे आ जाते हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत आपने खूबसूरत बनाई हुई है गाड़ी। और इसका जो है यार साउंड चेक करवाएं ज़रा। अच्छा, तो अभी इसका साउंड देखते हैं कि स्ट्रेट पाइप में कैसा है। साउंड जो है यार बहुत ज़बरदस्त है,
और इसकी जो है एयर भी अब ज़रा चेक करवाएं कि उसमें क्या सीन है। ये अभी फुली डाउन है? हाँ जी, ठीक है। ये जो है गाड़ी, अच्छा ये फुल ऊपर, अच्छा यार ये तो सेटअप अच्छा है कि इसमें जो है स्टॉक हाइट भी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ऊपर हो गई है उससे भी, तो बेहतरीन है। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हैं तो उस हिसाब से तो बेहतरीन है, और अगर इसको हम फुली डाउन करें तो फिर गाड़ी की लुक जो है वो निकल आती है। हाँ जी, तो ये एयर जो है ये आई थिंक रिमोट वाली है, यहाँ दिखाना है कि ये रिमोट है, इसमें जो है सेटअप सारा इसका, ये उधर रिमोट होता है, ठीक है। तो इसमें फ्रंट और बैक का डिफरेंट है, और आई थिंक इंडिविजुअल टायर्स वाला सेटअप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो गाइज ये था डाइट्सो मेरा का रिव्यू, जो कि फुली मॉडिफाइड है और फ्रॉम द अनटेम्ड ग्रुप, और स्पेशल थैंक्स टू बिलाल भाई जिन्होंने ये गाड़ी लेकर आए हैं और रिव्यू हमने इसका किया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने गाड़ी बनाई हुई है। थैंक यू, और इंशाल्लाह आपको जो है नेक्स्ट रिव्यू में मिलेंगे, इसी तरह की और गाड़ियों को भी लेकर आएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसका आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें तो डू लेट अस नो फ्रॉम इंस्टाग्राम, नीचे आ रहा होगा। तो नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।